देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। वहीं सरकार की कोशिश ये भी है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की हर संभव कोशिश की जाए। इसी के तहत अनलॉक का ऐलान किया गया था। बीते दिनों अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई थी। गुरुवार से सिनेमा हॉल खोलने को लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है और सरकार की गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बारे में केंद्र सरकार SOP का ऐलान कर चुकी है, यानी ये बता दिया है कि सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो क्या व्यवस्था रहेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक सिनेमा हॉल्स को आधी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है, यानी अभी आधे टिकट ही दिए जाएंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट छोड़कर बैठने की अनुमति दी जाएगी। खाली सीटों पर स्टिकर लगाकर दर्शकों को बताया जाएगा कि उन्हें वहां नहीं बैठना है। सिनेमा हॉल में आने वाले हर शख्स के लिए मास्क अनिवार्य है। दर्शकों के साथ ही कर्मचारियों को भी इसका सख्ती से पालन करना होगा। इसी तरह सिनेमा हॉल या थिएटर के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर भी जरूरी किया गया है। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही पहली पंक्ति में जिस सीट पर दर्शक बैठे हैं, पीछे वाली पंक्ति में उससे पीछे वाली सीट खाली रखी जाए। हालांकि सिनेमा मालिक बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सिनेमा मालिकों का कहना है कि 50% दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलना सही नहीं है। ओपन थिएटर्स पर भी हो रहा है विचार। इस बीच खबर है कि प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन जैसे PVR सिनेमा, आईनॉक्स लिमिटेड और कार्निवल सिनेमा ने कथित तौर पर ओपन एयर थिएटर में निवेश करने का फैसला किया है। ये ओपन एयर थिएटर्स 2020 या 2021 के अंत तक आने की संभावना है। ओपन एयर थिएटर्स के तहत खुले स्थानों या सार्वजनिक स्थानों पर विशाल स्क्रीन लगाई जाएंगी। लोग दूर दूर बैठकर या अपने अपने वाहनों में बैठकर फिल्मों का लुत्फ उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Nation 1। Nation 1 की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation 1 के साथ।